हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। हमने ऑलरेडी एप्लीकेशंस ऑफ द डायोड इंट्रोड्यूस कर दिया था पिछली वीडियोस में। हमने पढ़ा था सीरीज कॉन्फ़िगरेशन और पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द डायोड। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ द डायोड की, जो कि है रेक्टिफायर। सो व्हाट इज़ रेक्टिफिकेशन, ये देखेंगे सबसे पहले। फिर हम देखेंगे कि हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, उसका सर्किट देखेंगे, सर्किट का ऑपरेशन देखेंगे। उसके बाद उसके कुछ पैरामीटर का एनालिसिस करेंगे, जैसे कि डीसी करंट और आरएमएस करंट। ये दोनों चीज़ें देखेंगे और जो फर्दर पैरामीटर्स हैं वो सब फॉर्म फैक्टर, रिपल फैक्टर, ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो इस तरीके से हमारी दो वीडियो में पूरा हाफ वेव रेक्टिफायर कंप्लीट हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ द फर्स्ट डायोड एप्लीकेशन, जो कि है हाफ वेव रेक्टिफायर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रेक्टिफिकेशन होता क्या है। हमारे घरों में जितने भी डिवाइसेस हैं, मोस्टली वो सब डीसी करंट पर चलते हैं, डीसी वोल्टेज मांगते हैं या डीसी करंट मांगते हैं। बट हमारे घरों में जो सप्लाई आता है वो आता है एसी। सो अब इस एसी सप्लाई को हमें डीसी में कन्वर्ट करना पड़ता है, तभी हमारे जो डिवाइसेस हैं वो अच्छे से ऑपरेट कर पाते हैं। सो एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए जो डिवाइस यूज होता है वो है रेक्टिफायर, और रेक्टिफिकेशन है कन्वर्जन ऑफ एसी करंट एंड वोल्टेज इनटू डीसी करंट एंड वोल्टेज। इवन करंट और इवन वोल्टेज दोनों को हम एसी से डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ रेक्टिफायर। सो व्हाट इज रेक्टिफायर? रेक्टिफायर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट द ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट इनटू द डायरेक्ट वोल्टेज और करंट ड्यू टू द सर्टेन टाइप्स ऑफ नॉन लीनियरिटी। अब हम सब जानते हैं कि जो डायोड है वो नॉन लीनियर डिवाइस है। नॉन लीनियर डिवाइस क्या होता है? करंट की इक्वेशन में आपने एक्सपोनेंशियल टर्म देखा था, वोल्टेज की इक्वेशन में भी एक्सपोनेंशियल टर्म देखा था। तो करंट नॉन लीनियरली इंक्रीज कर रहा था और वोल्टेज भी नॉन लीनियरली इंक्रीज कर रहा था। तो ये जो दोनों पैरामीटर्स हैं, ये पैरामीटर्स नॉन लीनियर हैं। तो आई कैन से जो डायोड है ये एक नॉन लीनियर डिवाइस है, राइट? तो जो कि नॉन लीनियरिटी प्रॉपर्टी है करेक्टरिस्टिक्स में, उसकी वजह से हमारे को रेक्टिफिकेशन प्रॉपर्टी मिलती है। अब ये सब कैसे होता है, यही चीज डिटेल में इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम सर्किट देखते हैं। इस सर्किट में आप देख रहे हैं, सबसे पहले हमारे पास है एक ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है। हमारे पास जो एसी वोल्टेज आ रही है वो है 230 वोल्ट, जिसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज़। ये एसी वोल्ट हमारे घरों तक आ रही है। इसके बाद हम एक ट्रांसफॉर्मर लगाते हैं जो इतनी हाई वोल्टेज को डाउन कर देता है, इस वोल्टेज को कम कर देगा। तो यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मर के इस एंड पर जो इनपुट वोल्टेज है वो कम हो जाती है, 10, 20, 30, जो भी आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप ट्रांसफॉर्मर को डिजाइन कर सकते हैं। तो जो भी इनपुट वोल्टेज होगी वो यहाँ से कम होगी, राइट? इतनी हाई वोल्टेज पे तो मेरा डायोड डैमेज हो जाएगा, बर्नआउट हो जाएगा। तो इतनी हाई वोल्टेज डायरेक्टली डायोड पे नहीं लगा सकते, इसलिए हमने स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर यूज करा। तो यहाँ पर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के इस टर्मिनल पर जो वोल्टेज इंड्यूस हुई उसे लिखा VI, राइट? तो अब यहाँ पर हमने क्या करा, एक डायोड को कनेक्ट कर दिया है और डायोड से ही सीरीज में हमने लोड रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया है, और लोड रेजिस्टेंस से हम वो लोड वोल्टेज को कंप्यूट कर रहे हैं। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज रहेगी वो होगी VL, राइट? तो ऐसे हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट को बना रहे हैं। अब सर्किट में क्या क्या चीजें हैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। एक डायोड यूज करा है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर जो सिंपलेस्ट रेक्टिफायर है इसमें हम सिर्फ एक डायोड यूज करते हैं, राइट? तो इसके बाद हम फुल वेव रेक्टिफायर भी पढ़ेंगे, हम ब्रिज रेक्टिफायर भी पढ़ेंगे। आप देखेंगे कि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, ये सिंपलेस्ट टाइप ऑफ रेक्टिफायर है ये। अब आई होप डायग्राम ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट समझ आ गया होगा। यहाँ पर TF रिप्रेजेंट कर रहा है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, और DC रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग, यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मर की रेजिस्टेंस है वो R2 ले रहे हैं, और डायोड की भी कुछ फॉरवर्ड रेजिस्टेंस होगी जिसे हमने स्मॉल RF ले लिया है, राइट? तो डायोड की रेजिस्टेंस और वाइंडिंग की रेजिस्टेंस भी मैटर करेगी जो आउटपुट वोल्टेज है। बहुत कम होगी बट इट विल चेंज द आउटपुट, राइट? तो अब हम ऑपरेशन पर आ जाते हैं। हमारे पास जो इनपुट था वो ऑल्टरनेटिंग इनपुट है, एसी है। एसी मतलब साइन की तरह की वेव होगी। साइन वेव में क्या होता है, एक पॉजिटिव हाफ होता है, एक नेगेटिव हाफ होता है। जो पॉजिटिव हाफ होता है
वो अगर हम किसी भी डायोड पे अप्लाई करें तो जब हम पॉजिटिव हाफ अप्लाई करेंगे यहाँ पर डायोड फॉरवर्ड बायस होएगा और डायोड फॉरवर्ड बायस में क्लोज्ड स्विच की तरह काम करता है। डायोड अगर रिवर्स बायस होता है, रिवर्स बायस नेगेटिव हाफ साइकिल के केस में होगा, डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा और ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, आउटपुट में कुछ भी नहीं आएगा, करंट पास नहीं करेगा ओपन सर्किट से। सो यहाँ पर हम क्या यूटिलाइज कर रहे हैं, हमने डायोड की एक प्रॉपर्टी यूटिलाइज करी है जो कि है यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट। डायोड के थ्रू जो करंट जाता है वो यूनिडायरेक्शनल फ्लो ही होता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सर्किट यूटिलाइजेस द यूनिडायरेक्शनल कंडक्शन प्रॉपर्टी ऑफ द डायोड, फॉरवर्ड करंट ही पास करेगा, रिवर्स डायरेक्शन में करंट पास नहीं करेगा, ये प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं हम। करंट फ्लो थ्रू द पीएन जंक्शन ओनली व्हेन इट इज फॉरवर्ड बायस एंड इट इज कंप्लीटली ब्लॉक्ड व्हेन इट इज रिवर्स बायस। एक्चुअली में प्रैक्टिकली क्या होता है, हम ये आइडियली सोच रहे हैं कि रिवर्स बायस में बिल्कुल करंट नहीं है, फॉरवर्ड बायस में बिल्कुल ये आइडियल स्विच है, ऐसा नहीं होता है। फॉरवर्ड बायस में प्रैक्टिकली कुछ फॉरवर्ड रेजिस्टेंस होती है, रिवर्स बायस में कुछ लीकेज करंट भी होता है, तो वो इफेक्ट हमने यहां पर इग्नोर कर दिए हैं। प्रैक्टिकली आप देखेंगे तो उनका इफेक्ट भी रहेगा, राइट। सो एसी मेंस की जो सप्लाई वोल्टेज होती है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया ही था। तो ये अब इन सर्किट से हम समझते हैं ऑपरेशन ऑफ हाफ वेव डायोड। जैसे ही हमने पॉजिटिव हाफ साइकिल दी, सो पॉजिटिव हाफ साइकिल में यू कैन सी यहाँ पर जो वी आई होगा यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव हो जाएगा। जो पॉजिटिव है वो जाकर पी टर्मिनल से कनेक्टेड है डायोड के। सो जैसे ही पॉजिटिव टर्मिनल पी साइड से कनेक्टेड हो जाएगा तो हमें फॉरवर्ड बायस मिलेगा और डायोड को फॉरवर्ड बायस में हमने क्लोज स्विच की तरह रिप्रेजेंट करा, राइट। ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायोड। यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस था ही, जैसे ही क्लोज स्विच बनेगा इस इनपुट वोल्टेज की वजह से कुछ करंट ट्रांसमिट करेगा इस सर्किट से, ये जो करंट है उसे हमने आई लिया, करंट फ्लो करेगा इस सर्किट से और आरएल के अक्रॉस कुछ वोल्टेज इंड्यूस कर देगा जो कि हो जाएगा वीएल, राइट। तो वीएल इज इक्वल टू वीआई इन दिस केस, क्योंकि हमारे पास यहां पर हम कंसीडर कर रहे हैं कि जीरो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, हमारे पास परफेक्टली क्लोज्ड स्विच है, यहां पर कोई वोल्टेज नहीं ड्रॉप होगा, तो जो भी यहां पर वोल्टेज इंड्यूस है वो ही, क्योंकि पैरेलल में है आरएल, वही वोल्टेज यहां पर आ जाएगी, वीएल इज इक्वल टू वीआई हो जाएगा, राइट। अब सेकंड केस में चलते हैं। सेकंड केस में हमने नेगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई करी, सो इस सर्किट में जब नेगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई करेंगे तो यहां पर नेगेटिव टर्मिनल आ जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल जाकर पी साइड से कनेक्टेड है, व्हिच मींस हमारा रिवर्स बायस हो गया है। रिवर्स बायस में जो डायोड होगा उसे ओपन स्विच बना देंगे और जैसे ही ओपन स्विच बनाया यहां से करंट ब्लॉक हो गया, करंट फ्लो नहीं करेगा, तो जब करंट फ्लो नहीं करेगा तो जो आउटपुट वोल्टेज आएगा लोड के अक्रॉस वो आ जाएगा जीरो। तो हमने क्या करा, हमने करंट को सिर्फ पॉजिटिव वोल्टेज में रिस्ट्रिक्ट कर दिया, जैसे ही पॉजिटिव पार्ट रहा वोल्टेज का वैसे ही करंट आएगा, जब नेगेटिव पार्ट रहा करंट नहीं आएगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, बहुत छोटी रेजिस्टेंस आरएफ से रिप्लेस करेंगे इसे, जो कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होएगी एंड इट विल बी गिविंग द पाथ टू द करंट, पूरा कंडक्शन करेगा करंट को और जो लोड वोल्टेज होगा वो इनपुट वोल्टेज के इक्वल हो जाएगा, राइट। सो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, हम कट इन वोल्टेज के इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। अब जो हमारी इनपुट वोल्टेज थी मैंने आपको बताया 20-30 ऐसे आप ले रहे थे और जो कट इन वोल्टेज होती है वो 0.7 और 0.3, तो हम कट इन वोल्टेज को भी नेग्लेक्ट कर रहे हैं क्योंकि वी डी इज वेरी लेस देन द मैक्सिमम वोल्टेज, राइट। तो ये वाली कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि हमने प्रैक्टिकली ये चीजें होती हैं जो हमने इग्नोर करी हैं और उस केस में हमने वीएल को डायरेक्टली इक्वल टू वीआई ले लिया है, अदरवाइज जो लोड वोल्टेज रहेगा वो वीआई से थोड़ा छोटा रहेगा, राइट। अब आ जाते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल। नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होएगा, जो डायोड है वो रिवर्स बायस हो जाएगा, राइट। हमने देख ही लिया क्यों, जब डायोड रिवर्स बायस होता है उसे वेरी हाई रेजिस्टेंस मेगा ओम जैसी रेजिस्टेंस से उसे रिप्लेस करते हैं, इतनी हाई रेजिस्टेंस से कि करंट पास ही नहीं कर पाएगा, जस्ट एक रिवर्स सैचुरेशन करंट पास करेगा, जिसे भी हम इग्नोर कर रहे हैं वो बहुत ही कम होता है, राइट। सो हमारे पास लोड वोल्टेज जीरो आ जाएगा इस केस में। तो अब आप देख रहे हैं ये है वेवफॉर्म, यहां पर ये जो था हमारा इनपुट था ऑल्टरनेटिंग इनपुट था, मैक्सिमम वोल्टेज था वीएम, हमने जैसे ही यहाँ पर रेक्टिफायर सर्किट लगाया हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल में तो आउटपुट आया जो कि सेम था इनपुट के, सो हमने यही
वेव फॉर्म को ट्रेस कर दिया, राइट। बट जो नेगेटिव हाफ साइकिल है, यहाँ पर हमारे पास जीरो लोड वोल्टेज आया, अगेन फिर से पॉजिटिव, सो अगेन हमने ट्रेस कर दिया, राइट। तो मैक्सिमम वोल्टेज यहाँ क्या रहेगा, वीएम। ये तो हमारा आइडियल केस, प्रैक्टिकली वीएम से थोड़ा कम होगा। अब करंट की बात करें, करंट भी हम इसी इक्वेशन से निकालेंगे। सो मैक्सिमम लोड करंट है आई एम, इस जब यहां पर इस कंडीशन में देख रहे हैं तो डायोड ऑन है, फॉरवर्ड बायस है, और इस कंडीशन में डायोड ऑफ है और रिवर्स बायस है, राइट। यहां पर फिर से डायोड ऑन है, तो यहां आप देख रहे हैं कि जो आउटपुट वोल्टेज आया है परफेक्ट डीसी नहीं आया है, आउटपुट वोल्टेज जो आया है वो पल्सेटिंग नेचर का आया है, राइट। इट इज चेंजिंग इन वैल्यू। तो अब ये जो आउटपुट वोल्टेज है, पल्सेटिंग वोल्टेज है, इसको भी हम डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ कैपेसिटर, राइट। तो ये जो हमारा आउटपुट आया है ये सिर्फ हाफ वेव के लिए आया है, आप देख पा रहे हैं, इस वाली वेव के लिए कोई आउटपुट नहीं आया है नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए, तो इसलिए इसे हम हाफ वेव रेक्टिफायर बोलते हैं, राइट। सो मैग्नीट्यूड विल बी चेंजिंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन ओनली। अब हम एनालिसिस करते हैं इसके पैरामीटर्स की। जो वी आई था वो था वी एम साइन ओमेगा टी, ये था हमारा इनपुट वोल्टेज जो हमने अप्लाई करा। नाउ द ड्रॉप अक्रॉस द डायोड, हमने सोचा कि जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है वो बहुत कम है, तो डायोड के अक्रॉस जो ड्रॉप है हमने वो नेग्लिजिबल ले लिया, उसे नेग्लेक्ट कर दिया। सो जो आउटपुट वोल्टेज आएगा, वी एल आएगा, वो वी आई होगा। वी आई क्या था, वी एम साइन ओमेगा टी। सो वी एल इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल, और पॉजिटिव हाफ साइकिल कब था, जीरो से लेकर पाए तक, और जो वी एल था वो जीरो हो गया था पाए से लेकर टू पाए तक, राइट। सो ऐसे हमने रिप्रेजेंट करा वी एल को। आई को कैसे रिप्रेजेंट करा, करंट भी सेम ही था, करंट भी जीरो से पाए के बीच में ही आ रहा था, आई एम साइन ओमेगा टी था, पाई से लेकर टू पाई के बीच में करंट जीरो था। करंट और वोल्टेज का क्या रिलेशन है, यहां जो आई एम है वो हम निकाल सकते हैं वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ हमें पता है। व्हाट इज द रेजिस्टेंस, पूरे सर्किट में जो रेजिस्टेंस है वो है आर टू प्लस आर एफ प्लस आर एल। आर एल जो है वो हमारा लोड रेजिस्टेंस है, आर एफ है वो जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ डायोड जो हमने नेग्लेक्ट करी थी, आर टू है वाइंडिंग रेजिस्टेंस ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, राइट। ट्रांसफॉर्मर की भी कुछ रेजिस्टेंस होगी, छोटी होगी, बट उसे भी हमने कंसिडर कर लिया आर टू, ऐसे हमने IM निकाल लिया। सो आप देख रहे हैं कि IM भी VM से ही रिलेटेड है, तो अगर VM 0 टू पाई के बीच में है तो IM भी 0 टू पाई के बीच में ही आएगा। अब आ जाते हैं एवरेज DC लोड करंट। DC वैल्यू क्या होती है, एवरेज वैल्यू क्या होती है, किसी भी क्वांटिटी की या पैरामीटर की अगर हमें एवरेज वैल्यू निकालनी है तो अगर हमें सबसे पहले देखना होगा कि अपर और लोअर लिमिट क्या है, उस अपर और लोअर लिमिट के बीच में अगर हमें एवरेज वैल्यू निकालनी है तो एफ मीन और एफ एवरेज इज इक्वल टू वन अपॉन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इंटीग्रेशन फ्रॉम लोअर टू अपर लिमिट एफ एक्स डी एक्स। तो ऐसे हम अपना एवरेज वैल्यू को लिख सकते हैं। सो एफ एवरेज इज वन अपॉन यू माइनस एल इंटीग्रेशन फ्रॉम एल टू यू एफ एक्स डी एक्स। एल क्या है, लोअर लिमिट, यू है अपर लिमिट। आई होप आपको समझ आया होगा। मैथमेटिकली देखते हैं कि एवरेज वैल्यू क्या होगी, आई एवरेज होगी आई डी सी, अपर लिमिट क्या है 2 पाए। हम एक फुल साइकिल के लिए देखते हैं, अपर लिमिट होगी 2 पाए, लोअर लिमिट होगी 0, सो 1 अपॉन 2 पाए माइनस 0 विल बी 1 अपॉन 2 पाए इंटीग्रेशन फ्रॉम लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2 पाए आई डी ओमेगा टी। सो आई की वैल्यू क्या थी, आई एम साइन ओमेगा टी, मगर आई एम साइन ओमेगा टी कहां से कहां तक प्रेजेंट था, 0 से लेकर पाए तक, राइट। अगर मैं पाए से लेकर 2 पाए तक लिखूं, पाए से लेकर 2 पाए तक, तो आई की वैल्यू 0 थी, सो 0 डी ओमेगा टी। तो ये तो क्वांटिटी जीरो ही हो गई, इसलिए इसे इग्नोर कर दिया, सीधा लिया IDC is equal to 1 upon 2 pi 0 to pi I am sin omega t d omega t, right। सो ये आ गया हमारा IDC। अब इसको सिंपलीफाई करना है, IM तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है, इसे बाहर पुल आउट कर लेंगे, IM upon 2 pi इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई sin omega t d omega t। सो इंटीग्रेशन sin omega t हमें पता है ये क्या होता है, माइनस cos omega t, इसको पुट कर दिया तो आ गया IM upon 2 pi माइनस cos omega t 0 टू पाई, राइट। तो अब हमने कॉस ओमेगा टी में ओमेगा टी की अपर और लोअर लिमिट पुट करी तो हमारे पास आई डी सी आ जाएगा आई एम अपॉन पाए। आई एम क्या था, आई एम था वी एम अपॉन आर एफ प्लस आर टू प्लस आर एल। आई एम की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे तो आई डी सी को इन द टर्म्स ऑफ वी एम भी लिख सकते हैं। अगर आपको आई एम की टर्म्स में लिखना है तो आप सीधा आई एम अपॉन पाए लिखिए, अगर वी एम की टर्म्स में लिखना है तो वी एम अपॉन पाए इंटू आर एफ प्लस आर टू प्लस आर एल। आर एफ फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, आर टू ट्रांसफॉर्मर सेकेंडरी रेजिस्टेंस, आर एल लोड रेजिस्टेंस।
राइट, कमिंग टू द नेक्स्ट पैरामीटर जो कि है आरएमएस करंट. आरएमएस करंट क्या होता है? रूट मीन स्क्वायर करंट, राइट. और कोई भी पैरामीटर है, कोई भी क्वांटिटी है, उसका रूट मीन स्क्वायर कैसे निकालेंगे? सो एफ आरएमएस, कोई भी फंक्शन है उसका आरएमएस वैल्यू कैसे निकालेंगे? रूट, सबसे पहले हम रूट लगा देंगे. मीन, मीन के लिए वन अपॉन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे. एंड देन स्क्वायर, स्क्वायर के लिए इंटीग्रेशन फ्रॉम एल टू यू एफ एक्स स्क्वायर डीएक्स. तो ऐसे ही हमने एफ एक्स की जगह हम यहाँ पर करंट को यूज करेंगे तो हमारे पास करंट आरएमएस आ जाएगा. सो आई आरएमएस क्या हो जाएगा? वन अपॉन अपर माइनस लोअर लिमिट वन अपॉन टू पाए, राइट. जीरो टू पाए, जीरो टू पाए लिया क्योंकि पाए से लेकर टू पाए तक तो जीरो था. सो जीरो टू पाए आई स्क्वायर डी ओमेगा टी पावर 1 बाय 2, राइट. सो ये था रूट, राइट. रूट को हम 1 बाय 2 पावर से भी लिख सकते हैं. तो आई की वैल्यू पुट कर दी, आई की वैल्यू होगी 1 अपॉन 2 पाए 0 टू पाए आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी पावर 1 बाय 2, राइट. सो अब यहाँ पर आई एम स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, पुल आउट कर लिया, बचेगा क्या? आई एम स्क्वायर अपॉन 2 पाए 0 टू पाए साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी. अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी को कैसे लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2, राइट. सो 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हम निकाल सकते हैं. 1 का क्या हो जाएगा? 1 बाय 2 को पहले बाहर ले लिया तो यहां पर आएगा आई एम स्क्वायर अपॉन 4 पाए. 1 का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन? ओमेगा टी. कॉस 2 ओमेगा टी का हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2, और लिमिट्स हैं 0 से पाए तक. तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, अब आपको बस लिमिट्स रखनी है 0 और पाए. तो जब आप सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास आएगा आई आर एम एस इज इक्वल टू आई एम अपॉन 2. सो इसे हम वी एम के टर्म्स में भी लिख सकते हैं जो कि हो जाएगा वी एम अपॉन आर एफ प्लस आर टू प्लस आर एल. आई होप अब आपको याद होगा कि आर एफ क्या है, आर टू क्या है, आर एल क्या है. नहीं है याद, 2 मिनट पहले जाइए देख लीजिए. सो आई होप आपको आई आर एम एस समझ आ गया होगा, आई डी सी समझ आ गया होगा. नेक्स्ट पैरामीटर्स नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. आई होप आप जल्दी से पहुंचेंगे नेक्स्ट वीडियो में. एंड आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा. अगर कोई डाउट है, डाउट जाकर कॉमेंट सेक्शन में जाकर लिख दीजिए. अगर सेशन पसंद आया है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, एंड ऑल्सो गिव मी योर फीडबैक. थैंक यू सो मच.